क्या हुआ, फिर कोई दुश्मन आ रहा है क्या? मेरा ध्यान पहले इस तरफ क्यों नहीं गया? सकुरा, तुम भी वही शैम्पू यूज करती हो जो मैं करता हूँ। येलो लीफ विलेज सीक्रेट टाइजुत्सु, काकाशी सेंसे का सिखाया हुआ सबसे खतरनाक बार। अ थाउजेंड इयर्स ऑफ डेथ। इन हालात में भी इसने समनिंग जुत्सु कर ही लिया। सकुरा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तो क्या कहते हो, मेरे साथ मिलकर आज फाइट करोगे चीफ टोड? बिल्कुल नहीं। क्या? बदलाव के वक्त तुम पर इसका असर कम हो, उसके लिए हम एक बैरियर बना देंगे। तो खत्म होने के बजाय तुम कुछ देर के लिए कोमा में चले जाओगे और बॉडी को कुछ नहीं होगा। मैं कोमा में जाकर खत्म ना हो जाऊं, उसके लिए मुझे तुम चार लूजर्स पर भरोसा करना पड़ेगा। नरुटो, तुम जरा अपनी आंखें खोल कर चलना, कहीं तुम्हारी वजह से हम लोग ना फंस जाएं। यहाँ पर हर जगह ट्रिप वायर्स हैं। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। नरुटो, आगे मत बढ़ना। तुम्हारा अंत यही होगा। सच में शिकमारू, तुमसे बड़ा दोगला मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मुझे बाहर मिलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। शुक्रिया मास्टर जिराया। अरे भाई, हंजाकी ने मुझे रेस्टोरेंट में महंगी महंगी डिशेस खिलाई थी और उनका बिल चुकाने के बदले उसने कहा था कि मैं जाकर उसकी तरह से सासने का ख्याल रखूं। हमें समझना चाहिए था आप कुछ ऐसा ही बोलोगे। आप कभी नहीं सुधर सकते। अरे क्या हाल है भाई? ओ सकुरा, ये है गामा कीची। गामा कीची, वो रास्ता दिखाई दे रहा है, जाओ और उसे चेक करो। अरे नो टेंशन, ये काम तुम्हें चुटकी में कर लूंगा। साथ चलोगी क्या? किसी दिन जरूर मिलेंगे। एक बात बता दूं, तुम्हें एक गलत फहमी है, मैं एक लड़का हूँ। बाप रे, ये तो सकुरा से भी खूबसूरत है। वो मैंने अपनी जिंदगी में अब तक कई अजीब चीजें देखी हैं, पर इतना अजीब कुछ भी नहीं देखा। विलेज की लोकेशन है कहाँ पर? मुझे भी नहीं पता, मैं खुद उसे ढूंढने निकला हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, इनको जरा सी भी ढील क्या दे दो, ये वापस अपनी छिछोरा पंती करना शुरू कर देते बिना सोचे। ऐसी जगहों में तो प्यारी प्यारी चीजें होती है और वहाँ वक्त बिताने में मजा आ जाता है। तो सबसे पहला मिशन है जल्दी से कोई टाउन ढूंढना। हाथ क्या, उंगली भी दे उठाएगा? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, मुझे लगा तुम मुझे मारोगे। चपकाए थोड़ो, आगे मेरे ग्रैंडफादर है, ये जानकर डर गए क्या? मुझे परवाह नहीं, चाहे वो तुम्हारी दादी क्यों ना हो। आई बात समझ में? बट इसमें लिखा है कि हॉट स्प्रिंग से सेहत और सूरत दोनों अच्छी हो जाती है। अरे छोड़िए ये सब, हमें गांव की तरफ चलते रहना चाहिए, सब लोग वहां हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे पपलू सही कह रहा है, सुना दे, हमें बस सीधे चलते रहना चाहिए, क्या पता अभी गांव पर कोई नई मुसीबत आ गई हो। ओहो, एक दिन आराम कर लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मैंने सुना है हॉट स्प्रिंग में लड़कियां भी आती हैं। छोरे बाबा, आप कहाँ चल दिए? अब वो क्या है ना कि मुझे अपनी हवा पानी बदलने का टाइम आ गया है ना नरुतो। अरे अभी एक सेकंड पहले तो आप कुछ और ही बोल रहे थे। मैन, सभी यहाँ इस बेकार एग्जाम के लिए आए हैं। हाँ, हम सब यहाँ पे हैं। नौ नौ सीखिए। इसमें काफी मजा आएगा, कम से कम उन्हें जो इस एग्जाम में बैठने के काबिल है ना सास्के? कीबा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं। तुम देखना, हम तुम्हारे होश उड़ा देंगे, हमने जमकर ट्रेनिंग की है। तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे थे, घास काट रहे थे क्या? तुम साथ ले चलो। तुम बिल्कुल नहीं बदली, अब भी सर दर्द हो।
शीनो, मुझे एक मिल गया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे एक बिकोचू मिल गया। नारुतो, तुमने कर दिखाया। मुझे देखना है। तो ये देखो, यही है ना वो कीड़ा। देखा, ये एकदम उस फोटो की तरह है जो तुमने दिखाई थी। मुझे लगता है कि कीड़े पकड़ने का जीनियस हूँ मैं। तुम नजर के अंधे हो क्या? एक सेकंड, उन्हें कैसे पता चला कि हम उनका पीछा कर रहे थे? शायद हम तीनों हैं इसलिए पता चल गया हो। कुछ भी हाँ, अगर छिपना आता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग पीछा कर रहे हैं। कहीं तुम अपने सारे जुत्सु भूल तो नहीं गई सकुरा? फाइनली वो यहाँ आ गए। ठीक है, अब वक्त है नारुतो और उसकी टीम को परखने का। अब सुनो टीम नारुतो, हमें दिखाओ तुमने अब तक क्या सीखा। सुनो सब लोग, फॉर्मेशन वन, जल्दी क्यूर जुत्सु। नौटंकी बंद करो बेवकूफ। तो क्या गया, आपने तो मेरी पीठ पीछे इनको हुकागे बना दिया। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है नारुतो? बात क्या है? कम ऑन, हुकागे को एक अच्छा और समझदार इंसान होना चाहिए, जैसे हमारे दद्दू हुआ करते थे। पर ये तो लालची है और सबको तंग करती है, नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है, अकल तो बिल्कुल है ही नहीं इनमें। मेरी मानिए तो ये एक बहुत बड़ा काम है और उसे करना इनके बस की बात नहीं लगती। टिक टिक टिक, अरे यार ये लोग डिजिटल घड़ी नहीं रख सकते थे क्या? हमें सच का सामना करना होगा, हो सकता है और कोई हेवन सोर्स बची ही ना हो। जब भी मुंह खोला बेसुरा बोला। शुरू हुए 4 दिन बीत गए। काम करो, चुपचाप चादर लो और सो जाओ, ठीक है? अच्छा तो ये चाबी पकड़ा के आप खुद अपनी किस्मत का ताला खोलने जा रहे हैं।